नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ज्योति भाई पटेल ने सौंपा ज्ञापन। किसान पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए किसान खड़ा है मैदान में अपने हक के लिए। ज्योति भाई पटेल ने किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन। मनोज सिंह बरछावर, रायबरेली से रिपोर्ट। सीएमओ रायबरेली ने किया सीएचसी बरछावा उच्च निरीक्षक। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने किया सीएचसी बरछावा का उच्च निरीक्षक, लिया साफ सफाई का जायजा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरछावा के बाबू को किया निलंबित। कई सालों का वेतन कर्मचारी को नहीं दे पा रहे थे। सीएमओ वीरेंद्र सिंह द्वारा किए गए निलंबित, जहाँ सरकारी अस्पताल में ना तो डॉक्टर मौजूद थे ना ही साफ सफाई की सुविधा उपलब्ध थी। वहीं सीएचसी बहराइच केंद्र के अधीक्षक सीएमओ को आने से पूर्व अस्पताल को सजाया दुल्हन की तरह, क्योंकि ऐसी सुविधा आम जनमानस को रोज उपलब्ध हो पाएगी या फिर जब आल अधिकारी आते तभी ऐसा सुविधा मुहैया कराया जाता है। खास रिपोर्ट, मोनू सिंह, रायबरेली। बरछावा के आक्रमण से लगता है कई किलोमीटर तक रोजाना जाम। अपने घर समझ बैठे नेशनल हाईवे के आखिर क्यों नहीं होती ऐसे गैर जिम्मेदारी व्यक्तियों के ऊपर विधिक कार्रवाई। आखिर कब हटेगा बरछावा का ये आक्रमण? एम्बुलेंस भी जाम में खड़ी रहती है घंटाओं तक। अगर प्रशासन आँख ना खुली तो आक्रमण देगा किसी बड़े घटना का अंजाम। बरछावा रायबरेली स्टेशन से हीरो एजेंसी तक भेड़ बकरी की तरह दोनों लाइनों पर खड़ी रहती है अवैध तरीके से वाहन। आखिर प्रशासन क्यों मौन है? एक यज पर उठता है सरकार के ऊपर सवाल। रायबरेली से मनोज सिंह की खास रिपोर्ट। जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं इनकी वजह से जाम लगता है नेशनल हाईवे पर। टेम्पो नेशनल हाईवे पर, इसका कोई जिम्मेदार नहीं, ना तो यहाँ पर प्रशासन सुन रहा है और ना ही कोई। आखिर कब हटेगा बचरावा का आक्रमण? ना एक